हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निर्मल राठौर और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्किल अप इन्फो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए रोजाना नई नई जानकारियां लेकर आते हैं और आपको सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग यूट्यूब चैनल पर काम करते हैं। जी दोस्तों, यदि आप भी एक क्रिएटर हैं तो आपको भी अपने यूट्यूब चैनल के लिए कस्टम URL बना लेना है। यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल के लिए कस्टम URL नहीं बनाया है तो कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए कस्टम URL बना सकते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों कैसे आपको अपने YouTube चैनल के लिए कस्टम URL इनेबल करना है और कैसे आप इसको बना पाएंगे तो जानेंगे इस वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली सही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप अपने YouTube चैनल के लिए कस्टम URL इनेबल कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं देखिए अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने YouTube चैनल के लिए कस्टम URL जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक अपना चैनल का हैंडल नहीं बनाया है तो आप कैसे बना पाएंगे और यहां पर आप कस्टम URL कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों अभी देखिए हमारा ये चैनल है जो कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर स्किल अप इन्फो, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं ये हमारा ऑफिशियल चैनल है स्किल अप इन्फो। और दोस्तों यहां पर आपको एक अलग सी चीज़ दिखाई देगी URL में, जैसे कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा ऊपर की तरफ URL में, तो यहाँ पर देखिए हमारे चैनल का नाम दिखाई दे रहा है आपको। आप देख सकते हैं ये हमारे चैनल का नाम है स्किल अप इन्फो। तो दोस्तों ऐसा URL आप कैसे बना सकते हैं अपने चैनल का, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारा एक चैनल और है इस तरीके का, इसका URL दिखाई देता है। तो आपको क्या करना है, इस चैनल का कस्टम URL बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो है यहाँ पर जाना है अपनी प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पर YouTube स्टूडियो का एक ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज लोड हो जाता है जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पर हमारा नेट थोड़ा स्लो है इसलिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर जल्दी लोड हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा ये पेज पूरी तरह से लोड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, कस्टम URL बनाने के लिए आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर लेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि ये हमने यहाँ पर हमारा एरो का निशान है, यहाँ पर आपको कस्टमाइज का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके का। अब दोस्तों यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिए जाते हैं, लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फॉर्मेशन। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है बेसिक इन्फॉर्मेशन में। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे चैनल का नाम है इन्फो, तो हमारे चैनल का भी आप नाम देख सकते हैं इन्फो है। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, अपने हैंडल को चेंज करना है, यानी कि हम अपने URL के आगे इन्फो दिखाना चाहते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर UC करके कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम अपने चैनल के आगे इन्फो दिखाना चाहते हैं। तो कैसे दिखाएंगे, कैसे आप इसको कस्टमाइज करेंगे, तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर अभी आप नीचे भी देख सकते हैं हमारा URL कुछ इस तरीके का है, लेकिन हम इसको अभी कस्टम करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, तो आपको करना है ऊपर की तरफ चले जाना है हैंडल पर। हैंडल पर जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने चैनल का नाम दे देना है। तो जैसे मेरे चैनल का नाम इन्फो है तो मैं यहाँ पर इन्फो एंटर कर दूंगा। और यहाँ पर देखिए ये हमारा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि पहले भी किसी ने ऑलरेडी ये बना के रखा है, तो ये हमें सजेशन में कुछ अलग से यहाँ पर हैंडल दे रहा है। तो अभी हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो हम अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं हैंडल। यहाँ पर हम इन्फो कर देते हैं और ऑफिशियल यहाँ पर लिख देते हैं, देखते हैं ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये एक्सेप्ट हो चुका है। अभी आपको क्या कर देना है, अभी आपको यहाँ पर जो है हैंडल बनाने के बाद यहाँ पर पब्लिश वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम कर देते हैं पब्लिश वाले बटन पर क्लिक। तो हमने यहाँ पर पब्लिश वाले बटन पर क्लिक कर दिया है और अभी देख लेंगे कि हमारे URL के आगे का जो ऑप्शन है वो आपको दिखाई देने लगेगा और हमारे चैनल का नाम आगे की तरफ आपको दिखाई देने लगेगा। तो दोस्तों अभी देखिए यहाँ पर हमने नए पेज पे ओपन किया है अपनी साइट, अपने YouTube चैनल को सॉरी। तो यहाँ पर अभी देखिए ये हमारा जो है पूरी तरह से चेंज हो चुका है, ये आ गया है देखिए एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं। और अभी ऊपर में जो है अपडेट नहीं हुआ है, तो अभी हम देख आपको दिखाएंगे जब होम पेज पर जाएंगे तब आपको दिखाई देगा, ये ऐसे आपको नहीं दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने चैनल को एक अलग टैब में ओपन कर लेना है, तब आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा आपका कस्टम URL कैसा दिखाई दे रहा है। तो देखिए दोस्तों अभी यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन अपडेट हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरीके का ही दिखाई देगा जैसा कि हमारे चैनल के आगे दिखाई देगा। कैसे हैं आप सब, इस प्रकार आप यहाँ पर जो है अपने कस्टम URL को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगले आर्टिकल में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।